हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हुआ हूँ पूर्णागिरी धाम। आप लोगों ने देखा भी होगा, आए भी होंगे, तो यदि नहीं आए हैं तो आज आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से आज मैं माता पूर्णागिरी जो माता जी हैं उनके दर्शन करवाऊंगा। और किधर से जाना पड़ता है क्या और कितनी पहाड़ियाँ हैं, किस प्रकार से जाना पड़ता है, तो वो सब कुछ आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल मैं टनकपुर क्रॉस करके और यहाँ पर एक बरसाती नाला पड़ता है, वहीं पर खड़ा हूँ। और यहाँ पे पीछे आप लोग देख सकते हैं पहाड़ नज़र आ रहे होंगे आपको। और ये जो नाला है ये बरसाती नाला है, यहाँ पर जब बरसात होती है तो यहाँ से काफ़ी पानी चलता है। अभी उधर पानी चल भी रहा है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो अपने कपड़े वगैरह, ये जो टेंट का सामान है, वो वहाँ पर वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार के माता पूर्णागिरी हैं और यहाँ पर किस प्रकार से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, श्रद्धालु लोग। तो चलते हैं और देखते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो मार्ग है ये पूर्णागिरी धाम के लिए ये मार्ग जाता है और यहाँ पर काफ़ी लोग जा भी रहे हैं। तो मैं भी जा रहा था और आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगा वहाँ पर, ऊपर चलकर कितनी चढ़ाइयाँ हैं वो भी चढ़कर चलूँगा और दिखाऊंगा। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं इस रोड पे पानी चल रहा है, ये जो बरसाती पानी है इसे बरसाती नाला भी बोलते हैं, तो वही पानी यहाँ से अभी निकल रहा है। तो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या पड़ेगा, वो सब आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं पानी आ रहा है, जीपें निकल रही हैं और वाहन जो हैं लोग अपने वाहन से निकलते भी हैं। और यहाँ पर देखिए, अभी आपको झरना दिखाने की कोशिश करूँगा, ये झरना टाइप से ही देखिए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं पानी निकल रहा है, तो कितना बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल झरने टाइप से आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से बनाया गया है ताकि जो पत्थर वत्थर लगा के बनाया गया है कि पानी निकले तो कटान ना हो पाए, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए वो वहाँ पे एक ये धार चल रही है, एक सामने आपको धार दिखा रही होगी और वाहन भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी मजबूती से ये बनाया गया है कि पानी भी चले, वाहन भी निकले, कोई भी दिक्कत ना हो। और यही मार्ग गया हुआ है, यहाँ पर काफ़ी लोग जा भी रहे हैं और चलते हैं ऊपर। दोस्तों ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं पानी आ रहा है पहाड़ों से, और ये देखिए कितना पतला पतला नाला बना टाइप से है और इस पहाड़ी से ये पानी आ रहा है, देखिए ये। अब मैं बैक कैमरे से आपको यहाँ का लोकेशन दिखाने वाला हूँ, बहुत प्यारा व्यू देखने को मिलेगा आपको, बहुत प्यारा व्यू यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, तो दिल थाम के रखिएगा दोस्तों, अब वो प्यारा व्यू आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों पहाड़ियाँ, यहाँ से ये पानी आगे से ही निकल कर आ रहा है और ये देखिए इधर से पानी जाता हुआ, और ये जिस मार्ग से अभी हम लोग जा रहे थे उसी मार्ग से ही ये पानी जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक भाई साहब अभी ये गाड़ी धो रहे थे, और सामने आप लोगों को ये देखिए ये पहाड़ी नज़र आ रही होगी और वो वहाँ पर ये नदी भी चल रही है। चलिए मैं थोड़ा ऊपर बढ़ के और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, वो वहाँ पर नदी चल रही है और ये है पहाड़, वादियों में कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग सोच कर देखिए कितनी बेहतरीन पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी आपको। ये सामने पहाड़ हैं
और इसी मार्ग से अभी हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। तो वैसे तो दोस्तों आप लोग जाते होंगे पूर्णागिरी और केवल वाहन पर बैठे और सीधे माता के दर्शन किए और लौट आए वापस, लेकिन मैं आपको जहां पर अच्छी लोकेशन मिलेगी वहां पर पूरा दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो वो सामने पहाड़ी है, पहाड़ी से शारदा नदी निकल के आ रही है और ये देखिए यहाँ से मंज़र देखिए आप लोग, कितना देखिए कितना नीचा यहाँ से लग रहा है यार, देखने में भी काफ़ी डर लग रहा है, लेकिन कोई नहीं दोस्तों। ये आप लोग व्यू देखिए यहाँ का, कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है पहाड़ी और पहाड़ों में ये वादियाँ, कितनी हरी भरी वृक्ष पेड़ जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे आपको। और सामने अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम ख़त्म हुआ तो अभी पानी थोड़ा कम है, फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं लुफ्त उठाने के लिए और लोग यहाँ पर काफ़ी मनोरंजन भी करते हैं, आप लोग देख सकते हैं और आते हैं। वास्तव में यहाँ पर अच्छा कितना लगता है यार, यहाँ पर पेड़ों की हरी भरी वादियाँ और पेड़ों से निकलती हुई नदी, आप लोगों ने केवल चित्र में ही देखा होगा लेकिन आपको इस वीडियो में पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए आप लोग यदि पूर्णागिरी धाम आते हैं तो इस रोड ही जाते होंगे किसी वाहन से और इसी रोड से निकल जाते होंगे, लेकिन ये जो सीन दृश्य जो देखने को मिलता है वो कितना बेहतरीन लगता है। तो ऐसे सीन मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा, जितना आगे बढ़ता रहूँगा सीन दिखाता रहूँगा, तो यार वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने बैक वाले कैमरे से आपको दिखाया था ये दृश्य, देखिए मंज़र देखिए आपको कितना बेहतरीन लग रहा है, हरी हरी वादियाँ, पहाड़, उसके ऊपर वृक्ष, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये नदी निकलती हुई पहाड़ों से दृश्य देखिए आप लोग, व्यू कितना अच्छा लग रहा है, देखिए आपको व्यू कितना VIP नज़र आ रहा है यार, वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आप लोगों को कैसा लग रहा है यार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा यार दोस्तों। तो चलते हैं आगे की तरफ, मेरी बाइक खड़ी है दोस्तों, हमारे साथी भी खड़े हैं और अभी आपको आगे दिखाते हैं मंज़र कैसा मंज़र आपको, तो चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग इधर से ही आए हैं, ये रास्ता इधर से ही आया हुआ है और अब हम लोग पहाड़ पर ऊपर आ चुके हैं। देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये रास्ता और ये पहाड़ कितना विशाल का पहाड़ है दोस्तों। और इधर ये देखिए शारदा नदी इधर बह रही है और उधर देखिए वो पहाड़ आपको नज़र आ ही रहा होगा, इधर देखिए ये वादियाँ, हरी हरी वादियाँ। अभी हम लोगों को जाना है इस चोटी पर, यहाँ पर जाना है माता जी के दर्शन के लिए, तो इसी चोटी पर चलना है और ये रास्ता है, इसी रास्ता से हम लोग अभी चलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों पहाड़, वादियाँ और वृक्ष हैं ऊपर, पहाड़ जस्ट नीचे, और ये देखिए इधर से ये मार्ग है, देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से पहाड़ और वादियों, पहाड़ से निकलती हुई नदी, बहुत बेहतरीन नज़ारा, बहुत बेहतरीन व्यू। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने कहा दोस्तों कि जितना भी आगे बढ़ूंगा और जहाँ पर व्यू पॉइंट होगा यानी देखने लायक जगह होगी वो आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए पीछे मेरे देखिए पहाड़, कितना ऊंचा पहाड़ है, और इधर देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वो मेरी बाइक खड़ी है इसी से मैं सफ़र कर रहा हूँ और ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कितना ऊंचा पहाड़ है। चलिए मैं बाइक कैमरे से दिखाता हूँ तो स्पेशल आपको नज़र आएगा। तो इसी रास्ते से अभी मैं आया था और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये व्यू पॉइंट कितना बेहतरीन लग रहा होगा आपको ये दृश्य। और अभी हमें चलना है इस चोटी पर, यहाँ पर चलेंगे और इधर आप लोगों को ये दुकानें वगैरह नज़र आ रही होगी, ये देखिए यहाँ पर। तो इसी रास्ते से अभी हम लोग ऊपर चलेंगे, इसी चोटी पर चलेंगे माता रानी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से नीचे कितना विशाल,
ये देखिए यहाँ पर इस पहाड़ी पर वृक्ष नहीं है, तो यहाँ पर ये कैसा नज़र आ रहा है, घास उस वही है तो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। और इसी रास्ते से अभी हम लोग चलेंगे, तो आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से कितनी ख़तरनाक खाई नज़र आ रही होगी, और ये रास्ता है और रास्ता के जस्ट नीचे खाई है, और खाई आपको दिखाई दे ही रही होगी। देखिए नीचे के पेड़ आपको कैसे कैसे घास कूड़े की तरह नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर ऊपर माता का दरबार लगा है। तो इधर ही से अभी हम लोग आ रहे थे नीचे से, और देखिए दोस्तों यहाँ से इस रोड पे जाते हुए, और ये देखिए यहाँ पर देखने वाला व्यू है दोस्तों, ये काफ़ी विशाल शिला आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये पहाड़ काट कर इसके बीच से रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पर इधर से जो भी लोग आते हैं तो उन्हें हॉर्न देकर ही निकलना चाहिए, क्योंकि आगे का जो है वो नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपने नाम वगैरह डाल रखे हैं, पता नहीं क्यों वही डाल रखे हैं। फ़िलहाल ये पहाड़ी काट कर बनाया गया है, और इसका जो आधा भाग रह गया है वो उधर है। चलिए उस भाग पर चलते हैं और देखते हैं। तो आधा टुकड़ा ये है, यहाँ पर लोगों के बैठने का भी इंतज़ाम बनाया गया है, यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से, आराम कर सकते हैं। अभी उठा रहे हैं हेलमेट। तो इसका टुकड़ा देखते हैं कितना है। तो यहाँ पर देखिए, ओहो ये देखिए ये टुकड़ा जो है वो उसी शिला का है दोस्तों। और देखिए सामने चोटी नज़र आ रही होगी, उसी चोटी पर अभी हमें चलना है, इस चोटी पर। और ये पहाड़, वाह कितना अच्छा लग रहा है यार, व्यू कितना मस्त आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, जंगल जंगल पहाड़। और चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और देखते हैं आगे। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं माता के दरबार में, पूर्णागिरी माता, और इसी गेट से अभी हम लोग अंदर चलेंगे, और प्रसाद वगैरह तो मैंने ले ही लिया है। तो चलते हैं ऊपर और आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं, पूरा वीडियो दोस्तों स्किप ना करें, तभी आनंद आता है दोस्तों ब्लॉग देखने का। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं, चलो। तो फाइनली ऊपर ही माता का दरबार है, और इसी गेट से अभी हम लोग चलेंगे ऊपर, प्रसाद ले लिया है, प्रसाद ऊपर चढ़ाएँगे। तो ये है दरबार में घंटा लगा हुआ, कितना बड़ा घंटा लगा है, पहुंच जाओगे घंटे पर? पहुंच गए। चलो फिर हम चलते हैं ऊपर चढ़ाई की तरफ। अब दोनों पढ़ा दो, बजाओ चलो। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये लोग खाने पीने की व्यवस्था ऊपर बनाए रखते हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग ऊपर जाते हैं, पानी वानी की व्यवस्था मिलती रहती है। और इधर से हम लोग चलेंगे ऊपर, चढ़ाई करते हुए ऊपर चलते हैं, और जहाँ पर व्यू अच्छा लगेगा वहाँ पर आप लोगों को पूरा पूरा दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। माता रानी की यहाँ से पूरी तरह से चढ़ाई यानी सीढ़ियाँ, यहाँ से श्रद्धालु लोग ऊपर से आते हुए, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, और जो अपनी मन्नत लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है दोस्तों। तो यदि आप लोग आते हैं यहाँ पर कि कोई भी मनोकामना हो वो लेकर आते हैं, तो यहाँ पर आपकी ज़रूर ही पूर्ण होगी। और दोस्तों यहाँ पर रहने बैठने की व्यवस्था, प्रसाद लेते हैं आप जिस दुकान से वहाँ पर आपको लेटने बैठने की व्यवस्था पूरी मिलेगी, वहाँ से प्रसाद लेना पड़ता है केवल आपको। अब ऊपर सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ नज़र आएंगी। तो अब चढ़ाई ही चढ़ाई है भाई, ऊपर चढ़ते हैं और माता के दर्शन करते हैं। काफ़ी धर्मशालाएँ यहाँ पर बनी हुई हैं, मेला लगते तब तो जो है जो, हाँ काफ़ी यहाँ पर जब, और क्या, जब यहाँ मेला लगता है काफ़ी भीड़ होती है। अभी तो फ़िलहाल मेला नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर, काफ़ी आनंद आता है भाई।